हापुड़ पुलिस ने ठगी के आरोप में नाइजीरिया और मिजोरम के दो ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों ठगों के पास से एक लैपटॉप, मोबाइल के साथ 3 एटीएम बरामद किए हैं। दरअसल दोनों शातिर ठग पहले लोगों की फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते और फ्रेंडशिप हो जाने के बाद उन लोगों को रकम दोगुना करने का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे। नाइजीरियन है फॉरनर और एक हमारे इंडियन है मिजोरम का। ये दोनों जो है एक फेसबुक पे फर्जी आईडी बना करके और दूसरों से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उससे फ्रेंडशिप करते थे और उसे विभिन्न तरीकों से उसको अपने बस में करके और उसके साथ फ्रॉड करके पैसे अपने खाते में डलवाते थे। जिस वादिया जिसने हमारे यहाँ मुकदमा लिखाया था, श्रीमती सीमा, तो उनका आरोप है कि इन दोनों लोगों ने हमारे भाई से लगभग 8.5 लाख रुपए की ठगी कर विभिन्न बातों में फंसा के अपने जाल में फंसा के उससे 8.5 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। आपको बता दें कि दोनों ठग मिलकर कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से नदीम अहमद की रिपोर्ट।